जिस घड़ी का सबको इंतजार था वो घड़ी अब बहुत ही करीब आ गई है। एशिया कप 2023 को शुरू होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। टूर्नामेंट का आगाज मैच में मेजबान पाकिस्तान का मुकाबला नेपाल से होगा। एक टीम आईसीसी रैंकिंग की नंबर वन वनडे टीम है, जबकि दूसरी टीम पहली बार इतने बड़े मंच पर प्रतिस्पर्धा करती नजर आएगी। नेपाल की टीम कमजोर भी रही है, लेकिन ये टीम युवा खिलाड़ियों के दम पर आगे बढ़ने का दम रखती है। लेकिन टीम इंडिया को एशिया कप 2023 से पहले एक बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगारकर ने जो बात कही थी वो सच होने जा रही है कि केएल राहुल एशिया कप 2023 के पहले कुछ मैच मिस करने वाले हैं। अब टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि केएल राहुल पहले दो मैच नहीं खेलेंगे। बेंगलुरु के एलूर में जारी एशिया कप के ट्रेनिंग कैंप के दौरान हेड कोच राहुल द्रविड़ ने इस बात की पुष्टि की है कि टूर्नामेंट के पहले दो मैच केएल राहुल नहीं खेलेंगे। इसकी जानकारी भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने दी है। उन्होंने बताया है कि केएल राहुल एशिया कप के पहले दो मैच के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। इससे साफ हो गया है कि विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ 2 और 4 सितंबर को होने वाले मैच में नहीं खेल सकेंगे। तो सवाल उठता है कि केएल नहीं तो कौन। केएल राहुल की पुरानी चोट तो सही हो गई है, लेकिन उनको एक निगल का सामना करना पड़ा है। हालांकि वो एशिया कप के ट्रेनिंग कैंप में शामिल हैं और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फुल फ्लो में नजर नहीं आए हैं। वो विकेट कीपिंग ड्रिल करते हुए नजर आए और बल्लेबाजी की। अगर केएल राहुल बाहर हैं तो फिर ईशान किशन को मौका मिल सकता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे या फिर मैनेजमेंट ट्रैवलिंग रिजर्व संजू सैमसन के साथ जाएगा। बता दें कि एशिया कप 2023 का पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में खेला जाएगा। वहीं 31 अगस्त को दूसरा मैच श्रीलंका में खेला जाएगा, जो श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच आयोजित होगा। ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेला जा रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान 4 मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि श्रीलंका को फाइनल समेत कुल 9 मैचों की मेजबानी करने का मौका मिलेगा। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेजबानी में खेला जाएगा। रोहित पुढ़ेल की कप्तानी वाली नेपाल की टीम जानती है कि उनके पास होने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि पाकिस्तान की टीम पर दोहरा दबाव होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सरजमी पर खेलने उतरेगा और टीम को ये भी देखना होगा कि कहीं उलटफेर का शिकार ना हो जाएं। ऑन पेपर बात करें तो पाकिस्तान और नेपाल का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि एक तरफ नंबर वन बल्लेबाज से लेकर तूफानी तेज गेंदबाजों की खोज है, जबकि दूसरी ओर युवा खिलाड़ी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।